Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss about glutamine. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ग्लूटामाइन के बारे में। जो लोग जिम जाते हैं और ज्यादातर लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, सबको ग्लूटामाइन का नाम पता ही होगा, बिकॉज ज्यादातर जो ब्लेंडेड प्रोटीन रहते हैं उसमें ग्लूटामाइन की क्वांटिटी हमेशा 2-3 ग्राम रहती है। तो पहले हम लोग समझेंगे ग्लूटामाइन क्या है, इसके कितने डोजेज हमें लेना चाहिए और इससे फायदे क्या है। तो स्टार्ट विद ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन जो रहता है, दैट इज अ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल का मतलब है इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये आपके डाइट से आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पहले ही आपको समझा चुका हूं मैं। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, मतलब आप जो फूड सोर्सेस लेते हैं, जैसे आपके चिकन हो गए, फिर आपके बीन्स हो गया, फिश हो गया, या लीवर और जो ऑर्गन्स आप खाते हैं, ज़्यादातर ब्रेन, लीवर, हार्ट, ये सब चीज़ें जो भी आप एनिमल के खाते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट ग्लूटामाइन मिलता है। लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है और हमको दिन का जो डेली डोज रहता है, अगर आप अच्छा लिफ्टिंग करते हैं, आपको नियर अबाउट 5 ग्राम के आसपास चाहिए। अब 5 ग्राम के लिए आपको बहुत सारा चिकन या चीज़ खानी पड़ेगी, या फिर जो भी किडनी बीन्स एंड ऑल, ये सब ज़्यादा आपको खाना पड़ेगा। लेकिन उतनी क्वांटिटी में हम लेते नहीं है और ज़्यादातर इंडिया में रोज़ जो चिकन खाने वाले लोगों की या फिश खाने वाले लोगों की बहुत कमी है, बिकॉज आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि 95% इंडियंस में प्रोटीन डिफिशियंसी रहती है। जब प्रोटीन ही बराबर नहीं है तो बाकी क्यों बराबर नहीं है, बिकॉज ये सारे सोर्सेज आप रोज़ के रोज़ नहीं खाते, जैसे एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब चीज़ें। तो और वेजिटेरियन लोगों के सोर्सेस क्या है, बीन्सेस, जो भी बीन्स आते हैं आपके, स्पेशली किडनी बीन्स आ गया, ब्लैक बीन्स आ गया, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ग्लूटामाइन मिलता है। लेकिन ये उतना प्रॉपर नहीं होता कि 5 ग्राम की आपकी रिक्वायरमेंट पूरा कर दे। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लूटामाइन का काम क्या है। ग्लूटामाइन एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, जैसा मैंने बताया हुआ है। इसका काम है आपके जब आप वर्कआउट लगाते हैं, उसके बाद जो आपकी मसल्स में फटीक होता है, जो मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, उसको जोड़ने का काम करता है। लेकिन क्या होगा, ग्लूटामाइन अगर आप जैसे फूड से ले रहे हैं, उसको आपको सिंथेसिस होने में बहुत टाइम लग जाता है और आपकी रिक्वायरमेंट जो डोजेज है 5 ग्राम की, वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए क्या होता है, आपके जब मसल रिकवर होने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे आपका रिकवरी 12 आवर्स के अंदर होना चाहिए, तो वो एक्सटेंड होकर 72 आवर्स या 48 आवर्स हो जाती है। तब आप जब आपके जो मसल्स है वो ठीक ही नहीं होंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे गाइस। और जो स्पेशली जो अच्छा लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा ही हुआ होगा कि आपके जितने भी एथलीट्स हैं वो ग्लूटामाइन हमेशा प्रमोट करते हैं। तो ये हो गया ग्लूटामाइन। अब इसके डोजेस क्या क्या है, डोजेस आपको सबसे जो अब्सॉर्ब करने का बेस्ट टाइम रहता है, दैट इज पोस्ट वर्कआउट, बिकॉज तब आपकी बॉडी में सब कुछ खाली हो जाता है और बॉडी को ब्रेकडाउन जो मसल्स है उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन और अमीनो एसिड की सख्त जरूरत पड़ती है। तो 5 ग्राम पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। और एक टाइम जब आप बिफोर बेड, क्योंकि आपकी जो बाकी रिकवरी होती है आपके सोने के टाइम पे होती है, तब भी आप 5 ग्राम अपने प्रोटीन के साथ ऐड करके तब भी ले सकते हैं। तो 10 ग्राम तक आपका डोज जो है कम्प्लीटली सेफ है। लेकिन जो नर है उनको इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता, तो जब आप 2-3 महीना वर्कआउट कर लो, जब आपके मसल थोड़े से शेप में आना चालू हो जाए, तब आप इसका यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके मसल बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे। इस वजह से क्या होगा, आपको 2 टाइम का डोज आप मेंटेन करेंगे। अगर स्टार्टिंग करना है तो आपको 5 ग्राम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं जो ब्रांड आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, दैट इज WOP का ग्लूटामाइन। अब क्या होता है, बाकी सब जो ग्लूटामाइन रहते हैं, काफ़ी सारे ग्लूटामाइन में फिलर्स बहुत रहते हैं, जैसे 5 ग्राम आपका स्कूप हो गया, तो 5 ग्राम स्कूप में आपके 2-3 ग्राम ग्लूटामाइन रहता है, बाकी सब फिलर रहते हैं। लेकिन ये जो ग्लूटामाइन है, ये पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और बहुत बजटेड है। बजटेड इसलिए बोल रहा हूँ, ये 1200-1300 रुपए का और आपको इजीली अमेजोन या फिर कहीं पर भी स्टोर पे मिल जाएगा। इसके 5 ग्राम में 5 ग्राम का ही आपका ग्लूटामाइन है, बाकी सब चीज़ें में कुछ भी मिलावट नहीं है और आपके फिलर्स नहीं है। इस वजह से मैं इस ब्रांड को काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ और मेरे बजट में आता है, क्योंकि मैं सारे सप्लीमेंट लेता हूँ तो बजट थोड़ा हाई हो जाता है। लेकिन जब से ये ब्रांड यूज़ करना चालू किया हूँ, मैं काफ़ी मतलब इम्प्रेस हूँ, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा इससे फ़ायदा होता है। तो ये ब्रांड आप देख सकते हैं, WOP का माइक्रोनाइज ग्लूटामाइन। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे। आते में मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड वाला बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, रोज़ के रोज़ जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
Hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping. Stay blessed.